प्रिय विद्यार्थियों, हेलो फ्रेंड्स। प्रिय विद्यार्थियों, कल मैंने आपको वीडियो दिखाए थे दो दिन पहले कोहिनूर हीरे के बारे में, पानीपत का तीसरा युद्ध। फ्रेंड्स, कैसे लगे आपको टीचिंग मेथड्स, कैसे लगे मेरे वीडियोस, आप मुझे बताते रहना। प्रिय विद्यार्थियों, काफी विद्यार्थी आग्रह कर रहे हैं, काफी फ्रेंड्स आग्रह कर रहे हैं कि मुकेश जी सर, राजस्थान का कुछ गौरवशाली इतिहास बताइए। रणथंभौर के शासक कौन थे, झालोर के शासक कौन थे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आपकी रिक्वेस्ट पर, ऑन आपकी डिमांड पर आज आपको मैं राजस्थान के बारे में थोड़ी हिस्ट्री की जानकारी देता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, पहले पहले आपको बताता हूँ मैं रणथंभौर। प्रिय विद्यार्थियों, मालूम है रणथंभौर सवाई माधोपुर जिले में स्थित। प्रिय विद्यार्थियों, रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसने की? रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना 1194 सन याद रखना 1194 में पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंद ने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की। और रणथंभौर के चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? हमीरदेव चौहान। हमीरदेव का शासनकाल क्या है? 1282 से 1301। 1282 में हमीरदेव चौहान शासक बना, 1301 में मृत्यु हुई। और याद रखना, हमीर ने अपने जीवन में कुल 17 युद्ध लड़े, इसमें से 16 युद्ध में विजय हुआ और 17वें युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी से लड़ता हुआ मारा गया। हमीर देव चौहान ने एक कोटिय जल यज्ञ अश्वमेध यज्ञ के समकक्ष है, कोटिय जल यज्ञ, उसने कोटिय जल यज्ञ किया। और उस यज्ञ के पुरोहित कौन थे? विश्वरूप। तो याद रखना प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर चौहान वंश की स्थापना 1194 गोविंद हमीर देव चौहान 1282 से कब बने 1301 तक अश्वमेध यज्ञ किया और जिसके पुरोहित कौन थे? विश्वरूप। प्रिय विद्यार्थियों, जिस समय दिल्ली का सुल्तान, उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान, 70 साल का बुढ़ा। और 70 साल के बुढ़े में शरीर में जबरदस्त खून में गर्मी आई और अपने सैनिकों से कहता है, सैनिकों, राजस्थान का सबसे शक्तिशाली शासक कौन है? सैनिकों ने कहा, बादशाह, सुल्तान है रणथंभौर का शासक हमीरदेव चौहान। के हमीरदेव चौहान, मैं हराऊंगा हमीरदेव चौहान को। सैनिकों ने कहा, सुल्तान आप? हाँ हाँ, चलो रणथंभौर। याद रखना प्रिय विद्यार्थियों, है जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर दो आक्रमण, पहला क्या 1290 में, दूसरा क्या 1292 में। पहला आक्रमण 1290 में किया, रणथंभौर का प्रवेश द्वार कहते थे जैन दुर्ग को। जैन दुर्ग का अधिकारी कौन था? गुरुदास सैनी। जैन दुर्ग का अधिकारी कौन था? गुरुदास सैनी। जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के प्रवेश द्वार जैन दुर्ग को जीता, गुरुदास सैनी मारा गया। अब सुल्तान ने दुर्ग के चारों ओर घेरेबंदी की। प्रिय विद्यार्थियों, नीचे से मुस्लिम सेना अस्त्र शस्त्र फेंक रही थी, ऊपर से हमीरदेव के सैनिक अस्त्र शस्त्र फेंक रहे थे। दोनों पक्षों में युद्ध हुआ, 8 महीने तक दुर्ग का घेरा डाले पड़ा रहा, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर दुर्ग को जीत नहीं पाया। तो अपने सैनिकों से क्या कहते हैं? चलो चलो, घेरा उठाओ, वापस दिल्ली चलो। तो सैनिकों ने कहा, क्या हुआ? दिल्ली से चलने से पहले तो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, मसल दूंगा, ये कर दूंगा, मैं जीत जाऊंगा। अब क्या हुआ? क्या नहीं नहीं, दिल्ली में कुछ आवश्यक कार्य आ गया, फटाफट दिल्ली चलो। तो सैनिकों ने कहा, कौन सा कार्य आ गया? कोई कार्य नहीं है। अरे मैंने कहा ना, चलो कार्य आ गया। सुल्तान अपने सैनिकों को लेकर दिल्ली चला गया। 2 साल, पहला आक्रमण का क्या 1290 में, दुर्ग जीत नहीं पाया, 2 साल तक दिल्ली में पड़ा रहा। वापस वृद्ध के शरीर में उमंग आई, वापस जोश आया और 1292 में दूसरा आक्रमण किया। प्रिय विद्यार्थियों, वापस दुर्ग के चारों ओर घेरेबंदी की, वापस दुर्ग जीत नहीं पाया। तो अपने सैनिकों से कहा, चलो चलो, वापस दिल्ली चलो। और सैनिकों ने कहा, अब क्या हुआ है? अब तो काम है क्या दिल्ली में वापस कोई है? ऐसे 10 किलों को भी मुसलमानों के एक बाल के बराबर नहीं समझता, बहुत है कैसे किले, चलो दिल्ली। सुल्तान सेना लेके आगे आगे जा रहा था और पीछे सैनिक हंसते हंसते चल रहे थे कि जीत पाया नहीं मुसलमान, 10 किले फालतू बातें कर रहा है, है? है जीत नहीं पाया तो है अंगूर खट्टे हैं। तो कितने आक्रमण किए? 2 आक्रमण, 1290 1292। दिल्ली के किस सुल्तान ने कहा? है जलालुद्दीन खिलजी ने कहा। क्या कहा? कि मैं ऐसे 10 किलों को भी मुसलमानों के एक बाल के बराबर नहीं समझता।
प्रिय विद्यार्थियों अब चलते हैं आगे। जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और उसका है दामाद था है उसका नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था? अली गुर्सा। और वो कहां का सूबेदार था? इलाहाबाद और कड़ा का। प्रिय विद्यार्थियों अब अलाउद्दीन खिलजी पता है कहां का सूबेदार था? इलाहाबाद और कड़ा का। अब अलाउद्दीन खिलजी मतलब अली गुर्सा ने जलालुद्दीन खिलजी से बिना परमिशन लिए दक्षिण भारत पर आक्रमण किया, देवगिरी को जीता और देवगिरी से अलाउद्दीन को इतना खजाना मिला। अब वह दिल्ली में बैठकर इलाहाबाद में बैठकर दिल्ली का सुल्तान बनने का सपना देखने लगा। अलाउद्दीन ने सपना देखा काश कितना अच्छा हो दिल्ली का सुल्तान वो 70 साल का बुढ़ा। अरे नहीं नहीं नहीं, दिल्ली का सुल्तान कौन होना चाहिए? अलाउद्दीन खिलजी। उसने अपने भाई को बोला, ए अलमास बेग इधर आया। अलमास बेग दौड़ा दौड़ा आया, बोल भाई क्या बात है? अरे अलमास बेग जरा दिल्ली जा और सुल्तान को इलाहाबाद बुला के ला। अलमास बेग ने कहा, क्यों? ये सुल्तान को बोलना मुझे देवगिरी से करोड़ों का खजाना मिला, आधा खजाना सुल्तान का और आधा खजाना मेरा। अलमास बेग ने कहा, भाई विचार तो है नेक है ना? उसने कहा, अरे भैया जो तू समझ रहा है तू सही समझ रहा है। अलमास बेग दिल्ली गया और जलालुद्दीन खिलजी से कहा, ए सुल्तान आपका दामा आपका भतीजा आपको इलाहाबाद बुला रहा है, आधा खजाना है, आधा खजाना वो मेरे को मिलेगा, चलो चलो फटाफट चलो। जलालुद्दीन खिलजी अपने भतीजे से मिलने के लिए, आधा खजाना लेने के लिए सीधा गया इलाहाबाद, सीधा महल के अंदर गया। अरे ये क्या, मेरा कोई स्वागत नहीं, कोई नृत्य संगीत नहीं, कहाँ है अलाउद्दीन खिलजी? अरे सुल्तान महल के अंदर नृत्य संगीत तो हमेशा होते रहते हैं, बहुत देखे। अरे आपके दामाद ने आपके भतीजे ने गंगा नदी के बीचों बीच आपके स्वागत के लिए बहुत अच्छा टापू बनाया है, कितना मजा है गंगा नदी के बीचों बीच पानी की लहरें हिलोरे मार रही हो, ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, वहां नृत्य और संगीत हो। सुल्तान कल्पना करो कल्पना क्या है, चल तो सही। अब जलालुद्दीन खिलजी सेना लेकर जैसे नाम में बैठा, अलमास बेग ने कहा, अरे सुल्तान सेना लेकर क्यों चल रहे हो? अरे वहां नृत्य संगीत मौज मस्ती करके सेना को रहने दो, क्यों सही करो। बिना सेना लिए जलालुद्दीन खिलजी नाव में बैठा है सीधा गंगा नदी के बीचों बीच गया। बहुत शानदार टापू अलाउद्दीन ने बना रखा था है। अलाउद्दीन ने कहा, आओ ससुरा आओ है। ससुरा गया, दोनों ससुर और दामाद गले मिले और बुढ़ा बेचारा अपने दामाद को सहला रहा है हैं। अलाउद्दीन खिलजी का हाथ खुला, हाथ में छुरा दिया गया, अलाउद्दीन खिलजी ने छुरा लिया, पीठ पीछे से छुरा मारा। जलालुद्दीन खिलजी चिल्लाया, दुष्ट अलाउद्दीन ये तूने क्या किया? क्या किया? पकड़ा, सीधा फेंका नीचे, पांव रखा ऊपर, तलवार ली और एक ही झटके में उसकी तलवार काट दी, ले ये किया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों से कहा, उठाओ दिल्ली के सुल्तान की डेड बॉडी को और घुमो उसे पूरे उत्तर प्रदेश के बाजारों में और कह देना देश की जनता को, यदि किसी ने मेरा विरोध किया उसका भी वही हश्र होगा जो सुल्तान का हुआ। जब मैं सुल्तान का ये हाल कर सकता हूं तो आम आदमी की हैसियत ही क्या। प्रिय विद्यार्थियों उसी समय कुछ सैनिक दौड़े दौड़े आए, सुल्तान अलाउद्दीन के क्या कि दिल्ली की जनता आपसे नाराज है? क्या दिल्ली की जनता मुझसे नाराज है? मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो जनता मुझसे नाराज है कि आपने सुल्तान का वध किया, आपसे जनता नाराज है? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, नो टेंशन, कोई टेंशन की बात नहीं है, इस देश की जनता को मैं जानता हूं कैसे खुश करना है, पर क्या रथ बनाओ। अब अलाउद्दीन खिलजी का रथ बनाया गया, अरे सुल्तान रास्ते में विद्रोह होगा और देखो तो सही कुछ नहीं होगा है? अब एक तरफ तो रख दिए गए सोने के सिक्कों के बोरे और एक तरफ अलाउद्दीन खिलजी ने अपने रथ में रखे चांदी के सिक्कों के बोरे। अलाउद्दीन खिलजी का रथ
धीरे धीरे चलने लगा। अल्लाह दिन एक हाथ में लेता चांदी के सिक्के, एक हाथ में लेता सोने के सिक्के, और सिक्के ले लेके सड़कों पर उछलता जा रहा था, उछलता जा रहा था। इतने सिक्के उछाले मित्रों कि पूरा का पूरी सड़क सिक्कों से भर गई, लोग घरों से बाहर उड़े और इतने सिक्के। अल्लाह ले लेके सिक्के जेब में डालने लगे, जेब भर गए तो घरों से जा जाकर थैलियां लेकर आने लगे, उसमें सिक्के भरने लगे हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, अरे बताओ सुल्तान हो तो कैसा? लोगों ने कहा अलाउद्दीन खिलजी जैसा। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, मैं जानता हूँ देश की जनता कितनी फोकड़ की है, इनको फोकड़ का दे दो तो ये गुणगान करने लगेंगे। और देखते देखते चारों ओर अलाउद्दीन खिलजी की जय, हमारा सुल्तान कैसा हो? अलाउद्दीन खिलजी जैसा हो। अब दिल्ली का सुल्तान कौन बन गया? अलाउद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी का शासन काल 1290 से 1296 और 1296 में। अब दिल्ली का सुल्तान कौन बना? अलाउद्दीन खिलजी। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको ये तक बता रहा हूं, अगली जानकारी के लिए मैं आपको कल के वीडियो में मिलता हूं। धन्यवाद।